हाय फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपठित काव्यांश से अभिप्राय उस काव्यांश से है जो पहले पढ़ा हुआ ना हो। कविता का एक ऐसा अंश जो पहले कभी पढ़ा ना हो, उसे अपठित काव्यांश कहते हैं। इसके द्वारा विद्यार्थी की कविता को समझने की क्षमता का विकास होता है। अब दोस्तों, अपठित काव्यांश जो उनको सॉल्व करना होता है, वो अपठित गद्यांश की भांति ही पहले हमें उनको दो तीन बार पढ़ना चाहिए। जब हम अपठित गद्यांश को सॉल्व करते हैं, उनका उत्तर लिखते हैं, तो हम पहले अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं। उसी प्रकार अपठित काव्यांश में भी हमें कविता के उस अंश को ध्यान से दो तीन बार पढ़ना चाहिए। उसके बाद उसमें जो शब्द हैं उनका अर्थ समझना चाहिए। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने चाहिए। और जब हम उत्तर लिखते हैं, तब हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो एकदम सरल और स्पष्ट हो। कविता की पंक्तियों का प्रयोग उत्तर के लिए कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी भाषा में ही लिखना चाहिए। तो दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज के अध्याय में हम अपठित काव्यांश पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, पहला काव्यांश मैं पढ़ रही हूँ। ना छेड़ो मुझे, मैं सताया गया हूँ, हंसते हंसाते रुलाया गया हूँ। सताए हुए को सताना बुरा है, तृषित की तृष्णा को बढ़ाना बुरा है। करूं बात क्या दान या भीख की, मैं संजोया नहीं हूँ, लुटाया गया हूँ। ना स्वीकार मुझको नियंत्रण किसी का, अस्वीकार कब है निमंत्रण किसी का। मुखर प्यार के मौन वातावरण में, अखरता अनोखा समर्पण किसी का। प्रकृति के पटल पर नियति तुलिका से अधूरा बनाकर मिटाया गया हूँ। क्षितिज पर धरा व्योम से नित्य मिलती, सदा चांदनी में चकोरी निकलती। तिमिर यदि ना आह्वान करता प्रभाव का, कभी रात भर दीप की लौ न चलती। करो व्यंग मत व्यर्थ मेरे मिलन पर, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ। ना छेड़ो मुझे, मैं सताया गया हूँ। दोस्तों, अब इसके हम प्रश्न पढ़ते हैं और उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर समझने की लिखेंगे। अब इस काव्यांश में कवि क्या प्रार्थना कर रहा है और क्यों कर रहा है? दोस्तों, हमने अभी जब काव्यांश को पढ़ा, तो हमें उस काव्यांश को अभी, यहाँ तो मैंने एक ही बार पढ़ा है, लेकिन जब आप परीक्षा हॉल में होते हैं, तब इसे दो बार ध्यान से पढ़ लें, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। अब हम इसके उत्तर को समझने की कोशिश करते हैं। इस काव्यांश में कवि चाहता है कि उसे कोई भी ना छेड़े। आपने पढ़ा था ना, छेड़ो मुझे, मैं सताया गया हूँ। तो क्योंकि उसे पहले ही काफी सताया जा चुका है और हंसते हंसाते उसे रुलाया गया है। कवि के अनुसार, कवि कह रहे हैं कि सताए हुए को सताना, अधिक सताना बुरा है, और तृषित की तृष्णा को, यानी कि प्यासे व्यक्ति की प्यास को और भी अधिक बढ़ाना बुरा है। तो दोस्तों, यही कवि इसमें प्रार्थना कर रहे हैं। नियति की तुलिका से कवि को क्या शिकायत है? दोस्तों, ये नियति की तुलिका, यानी कि किस्मत लिखने वाली जो पेन होती है, उसको कहते हैं। कवि ने परतंत्र होकर जीना कभी स्वीकार नहीं किया है, और किसी के प्यार भरे निमंत्रण को उन्होंने लेकिन कभी अस्वीकार भी नहीं किया। प्यार के मुखरित वातावरण में किसी का किया अनोखा समर्पण कवि को इसलिए अखरता है, क्योंकि कवि की जो नियति है, किस्मत है, उस नियति तुलिका ने उसके भाग्य को अधूरा लिखकर छोड़ दिया है। इसीलिए वो किसी के निमंत्रण को, प्यार भरे निमंत्रण को स्वीकार करने से सोचते हैं, एकदम उन्हें ये अखरता है। दीप की लौ के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं? दोस्तों, कवि के अनुसार जब तक सामने से किसी का इशारा नहीं मिलता, तब तक सामने वाला कुछ करने के लिए उत्सुक नहीं होता। चांद और चकोर और अंधकार तथा द्वीप की लौ का उदाहरण कवि ने इसी संदर्भ में दिया है। चलिए दोस्तों, ये हमने पहले काव्यांश के प्रश्न और उनके उत्तर के विषय में जाना। अब हम दूसरा काव्यांश पढ़ते हैं। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुंधिया सुहावनी। छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित। क्षण काया मत छूना, मन होगा दुख दूना।
यश है ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिम केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। बहुत सुंदर शब्द है दोस्तों। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देहे सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत आने पर। जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। दोस्तों इस काव्यांश के प्रश्नों को जानते हैं, साथ ही साथ उनके उत्तर भी पढ़ते हैं। कवि किसकी छाया को ना छूने की बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ऐसी बात। कवि कहते हैं कि हमें अपने अतीत में हमेशा खोए हुए नहीं रहना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए। उत्तर पढ़ते हैं। कवि मनुष्य को बीते हुए लम्हों की याद ना कर भविष्य की ओर ध्यान देने को कहते हैं, क्योंकि हम अतीत में तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन यदि अतीत में गलतियां की है तो उसे भविष्य में सुधार सकते हैं। कवि कहते हैं कि अपने अतीत को याद कर किसी मनुष्य का भला नहीं हुआ है, बल्कि उसका मन ही दुखी हो जाता है। यथार्थ कैसा है कवि? कवि कहते हैं कि मनुष्य सारी जिंदगी यश धन दौलत मान ऐश्वर्य के पीछे भागते हुए बिता देता है, जो कि केवल एक भ्रम है, माया जाल है। कवि कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार है जैसे रेगिस्तान में पशु पानी की तलाश में भटकता है, लेकिन रेगिस्तान में उसे पानी कहीं नहीं मिलता। आखिरी क्वेश्चन इस काव्यांश का, शरद रात के चांद के माध्यम से कवि क्या कह रही हैं? कवि कहते हैं कि जिस प्रकार शरद पूर्णिमा की रात को चांद ना निकले तो उसका सारे सौंदर्य और महत्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि शरद जो पूर्णिमा होती है उसका जो चांद होता है वो वास्तव में बहुत सुंदर होता है। उसी प्रकार मनुष्य को जीवन में सुख संपदा नहीं मिलती तो उसका दुख उसे जीवन भर सताता है। यदि शरद ऋतु में शरद पूर्णिमा वाले दिन चांद नहीं निकलता तो उसके सौंदर्य को कौन देखेगा, कैसे देखेगा। उसी प्रकार यदि मनुष्य जब तक जीता है उसे सुख संपदा की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो उसका दुख उसे जिंदगी भर सताता रहता है। तो दोस्तों ये हमने आज के अध्याय में दो अपठित काव्यांशों की प्रश्नों उत्तर पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।